काशी के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत का माहात्म्य और व्रत कथा सुनाएंगे। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अन्य एकादशियों की तरह मोहिनी एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इस एकादशी व्रत से मनुष्य सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के माहात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1000 गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। जनों, जब अमृत पान को पाने के लिए दैत्यों और देवों में संघर्ष होने लगा, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को अपने मीठे वचनों से मोहित कर लिया और सभी देवताओं को अमृत पान करवाया। इस मोहिनी रूप के नाम पर इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। प्रिय भक्त जनों, मोहिनी एकादशी व्रत सभी प्रकार के मोह माया जाल को काटने में समर्थ है और समस्त पापों का नाश भी करता है। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले जातक विष्णु भगवान की पूजा के साथ इनकी व्रत कथा भी अवश्य सुनते हैं, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को सुनाई थी और उसके पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही कथा सुनाई। आज हम उसी कथा का वर्णन करेंगे। से
श्री राम को ये ही कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। जनों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को सुनाई थी और महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, क्योंकि पांडवों का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ही करते थे। जब जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें उचित मार्ग बताया। आज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने आए हैं और अन्य दिनों की भांति ही कृष्ण उन्हें विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। आकर के जो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, विशाख मास बड़ा पावन कृष्णाब तो लगा हुआ। वरुधने एकादशी की कथा भी आपने मुझे सुनाई, शुक्ल पक्ष की एकादशी भी तो निकट है आई। जानना है ये एकादशी किस नाम से बोली जाए, व्रत कथार महात्म्य भी इसका मुझे बताए। सुनकर प्रश्न युधिष्ठिर को श्री कृष्णा ने कहा, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर तुमने आज किया। मोहिनी एकादशी नाम से इसको बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से बुलाते हैं। ये नाम श्री विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को समर्पित है और व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। घोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि इस व्रत को कर ले तो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सर्वप्रथम श्री राम को मुनि वशिष्ठ ने सुनाई थी, वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा। व्रत करने वाले भक्त को ये कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। यदि व्रत भी नहीं करता तो भी इस कथा को सुनना परम कल्याणकारी होता है। ध्यान पूर्वक सुनो। बात है ये तो बड़े प्राचीन समय की, सरस्वती नदी के तट पर एक नगर था भद्रावती। चंद्रवंशी वहाँ के राजा जिनका नाम द्युतिमान, धन धान्य से प्रजा संपन्न थी और सभी थे पुण्यवान। उसी नगर में धनपाल नाम का वैश्य रहता, विष्णु जी की मन से जो भक्ति करता। अनेकों प्याऊ कुएं सरोवर उसने बनवाए और सड़कों पर छायादार कई वृक्ष भी लगवाए। राहगीर जिस कारण से आनंद को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है,
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, धनपाल नाम का वैश्य बड़ा ही धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं और सरोवरों का निर्माण करवाया और सड़कों के किनारे अनेकों छायादार वृक्ष भी लगवाए। धनपाल मानव सेवा को सर्वोत्तम मानता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि थे। इनमें से धृष्ट बुद्धि बड़ा ही महापापी था। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धृष्ट बुद्धि जब बुरे कर्मों में लिप्त हो गया तो दुखी होकर उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निष्कासित कर दिया। किंतु धृष्ट बुद्धि को बुरे कर्मों की लत लग चुकी थी और उसने अपने घर के गहने व कपड़े बेच दिए और मदिरा पान करने लगा। धृष्ट बुद्धि के पास में अब तो कुछ भी नहीं रहा, उसके मित्रों ने भी उसका साथ है छोड़ दिया। भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब धृष्ट बुद्धि अपने पुराने मित्रों के पास मदद के लिए गया तो उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया, जिससे दुखी होकर धृष्ट बुद्धि ने नगर को ही छोड़ दिया और एक वन में जाकर रहने लगा। उसे मदिरा पान और मांस भक्षण करने की लत लग चुकी थी, अतः वो बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। धृष्ट बुद्धि तो वन में चलाया और निर्दोष पशु पक्षियों को भी मार के है खाया। वैश्य पुत्र से बना बहेलिया अपने कर्मों कारण लगा भोगने दुख ऐसा।
कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार धृष्ट बुद्धि नीच कर्म करते हुए वन में जीवन बिताने लगा और पेट भरने के लिए पशु और पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। जिस दिन उसे कोई शिकार न मिलता, उस दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता। तब उसे अपने घर की याद आती और सोचता कि पिता के घर में कितने ठाट बाट से रहता था। एक दिन वो शिकार की खोज में भटक रहा था तो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में धृष्ट बुद्धि चला आया, पर उसने ऋषि कौंडिन्य को वहां नहीं पाया। स्नान करने को ऋषि कौंडिन्य नदी गए हुए थे और शिष्य कुछ उनके ध्यान में को कुछ लग जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि जब धृष्ट बुद्धि के ऊपर ऋषि कौंडिन्य की गीली धोती के छींटे पड़े तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और अपने कर्मों पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ और ऋषि कौंडिन्य से अपने कर्मों की क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में व्यर्थ कर दिया। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं नरक के कष्ट भोगने से बच जाऊं और अपना बचा हुआ जीवन पुण्य कर्मों में बताऊं। दृष्ट बुद्धि को होने लगा था बड़ा ही पश्चाताप। बोला ऋषिवर, मैंने कमाया जीवन भर बस पाप। कृपा करके ऐसा कोई मुझको एक उपाय बताए। पाप कर्म किए मैंने जितने, व्रत है ऐसा बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। जनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऋषि कौंडिन्य के कहने से धृष्ट बुद्धि ने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया तो श्री विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसके सभी पाप नष्ट कर दिए।
और पिता के समान दुष्ट बुद्धि भी पुण्य कर्म करने लगा। अंत में विष्णु लोक को गया। हे युधिष्ठिर, ऐसा है मोहिनी एकादशी व्रत का फल और यही मोहिनी एकादशी व्रत की कथा भी है, जो सभी भक्तों को ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, हम सभी भाई भी मोहिनी एकादशी व्रत पूरे विधि विधान के साथ अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई, प्रकट किया आभार उनका तो युधिष्ठिर ने बड़ा ही। व्रत करने का निश्चय भी अपने मन में किया, मोहिनी एकादशी व्रत के भक्तों यही है एक कथा, जिसको भक्त जन श्रद्धा भाव से सुनते सुनाते हैं। हंस राज विष्णु चरणों में शीश झुकाते हैं, चेतन भी करते वर्णन फौजी सुरेश जो लिख दे, सिर पे हाथ जो विष्णु जी अपने भक्तों के रख दे। कृपा ये मात शारदे की हम तब ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब होते काम सफल है, बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है।